हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर। मायसेल्फ अवनीश पटेल। वी विल स्टडी फिजिक्स विद ईज। वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज रिमाइंड करवा देना चाहता हूं कि अगर अभी भी आप नोट और पेन लेके नहीं बैठे हो तो पहले नोट और पेन लेके बैठ जाओ, और अगर जहां पे भी आपको जरूरत पड़ती है वहां वीडियो को पॉज करो और रिवाइंड करो, और अपने नोट जो भी पॉइंट आपको जरूरत लगे वो पॉइंट नोट डाउन करते जाओ और अपनी हैंड रिटन नोटबुक प्रिपेयर करते जाओ, क्योंकि यही नोटबुक आपको एंड टाइम पे काम आएगी। एंड टाइम पे आप वीडियो देखने नहीं बैठ सकते। तो चलो, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रीवियसली हमने एक वेक्टर का इंजेक्शन ले लिया था। आई होप वो इंजेक्शन आपको अच्छा लगा होगा और अब ये वेक्टर आपके ब्लड में फ्लो कर रहा होगा। अगर अभी भी किसी ने ये वेक्टर का इंजेक्शन नहीं लिया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो इंजेक्शन पड़ा हुआ है, वहां पे जाइए, वो इंजेक्शन लेके आइए, फिर बाद में ये आगे का दूसरा इंजेक्शन जो आज हम लेने वाले हैं वो लीजिए, ठीक है। तो आज हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक दैट इज कूलम्स लॉ। यस राइट, आज हम एक छोटा सा और बहुत ही ब्यूटीफुल दूसरा इंजेक्शन लेने वाले हैं, दैट इज कूलम्स लॉ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये इंजेक्शन क्या है, तो मैंने पहले वीडियो में ही आपको बताया था कि पूरे फिजिक्स को हमें अपने ब्लड में उतारना है, तो ब्लड में कैसे उतारेंगे, तो ऐसे छोटे छोटे इंजेक्शन यानी कि ऐसी छोटी छोटी थियरी को समझ के ही हम पूरे फिजिक्स को हमारे ब्लड में उतारने वाले हैं। आज हम चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया हुआ है। पहले वो मैंने आपको एग्जाम्पल पहले वीडियो में समझाया था कि एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है। पहला स्टेप क्या रहेगा, स्टेटमेंट को पढ़ना है, लेकिन पूरा एक साथ में पढ़ना नहीं है, ब्रेक करते करते। पहले तो क्या पढ़ा दिया है वो पढ़ लेते, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, क्वेश्चन में ही पता चल गया क्या फाइंड करने के लिए बोला है, फोर्स, लेकिन किसके बीच का। तो यहां पर मैं लिखूंगा गिवन डेटा, क्या दिया गया है वो नोट डाउन करूंगा, क्या हमें फाइंड आउट करना है वो यहां पे नोट डाउन करूंगा, फोर्स फाइंड करना है, चलो एक रफली मैं लिख लेता हूं। अगर थर्ड स्टेप भी साथ में रखना है, अगर फिगर कुछ बन रही है तो साथ में फिगर भी बनानी है, लेकिन अभी देखते हैं क्या दिया है। फाइंड द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ, ओके दो चार्जेस दिए है, एक चार्जेस को मैं गिवन डेटा में लिख लेता हूं, Q1 is equal to कितना है 2 × 10⁻⁷, पीछे यूनिट लिखना जरूरी है कूलम, ये एक डेटा। दूसरा चार्ज कौन सा है 3 × Q2 is equal to 3 × 10⁻⁷ कूलम, दो चार्जेस आपको दिए, चार्जेस किसके ऊपर, एक स्फीयर, छोटा सा स्फीयर है इसके ऊपर चार्ज, यानी कि एकदम छोटा सा स्फीयर, उसको आप एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हो। दो चार्जेस Q1 एंड Q2 दिए हुए हैं, प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, एयर के अंदर रखे हुए हैं, किसके अंदर रखे हैं, एयर के अंदर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, यानी कि स्मॉल r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए, गिवन डेटा क्या दिया है वो लिखो और फाइंड फोर्स, फोर्स किसके बीच का फाइंड करना है वो आपको पता चल जाना चाहिए कि दो चार्जेस है उनके बीच का फोर्स फाइंड करना है। चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, राइट, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स, That is Fe, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो और फिगर अगर बनानी हो तो बना सकते हो कि एक Q1 चार्ज यहाँ पे, लेकिन चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो यहाँ पे देखो दोनों चार्ज कैसे है, पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा चार्ज भी Q2 है वो भी पॉजिटिव है, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r दिया गया है, ये सिचुएशन आपकी बन रही, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, लेकिन कौन सा रिपल्शन फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों एक दूसरे के बीच, एक दूसरे से दूर जाने की ट्राई करेंगे, तो हमें ये फोर्स की क्वांटिटी कितनी है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी थियरी, तीन स्टेप आपके, फिगर बना ली, गिवन डेटा क्या है, फाइंड क्या करना है वो आपको पता चल गया, एक पिक्चर आपको पता चल गया कि हमें फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब इसमें थियरी कौन सी यूज करेंगे, तो आप बोलोगे आपने सर थियरी तो पढ़ाई नहीं, तो चलो इसमें जो थियरी यूज होने वाली है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करने के लिए, जो थियरी यूज होने वाली है दैट इज कूलम्स लॉ,
ठीक है, कूलम्स लॉ की थियरी यहाँ पे स्टडी यूज होगी। तो चलो पहले हम क्या काम करते हैं, कूलम्स लॉ का एक छोटा सा अच्छा सा इंजेक्शन यानी कि उसकी थियरी हम हमारे ब्लड में डाल देते हैं। चलो तो हम आज की थियरी का जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोस्टेटिक्स, बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपके ये टॉपिक के रिलेटेड जो भी थियरी है वो आप अगर आराम से इजीली कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो आराम से आप सॉल्व कर पाओगे और वही थियरी का आगे के चैप्टर में भी आप आसानी से यूज कर पाओगे। तो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के अंदर तीन चार मेनली बेसिक कंसेप्ट है, एक है आपका कूलम्स लॉ के रिलेटेड टॉपिक है, फिर इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड टॉपिक है, और एक थर्ड मेन जो मेजर टॉपिक है दैट इज गॉस लॉ रिलेटेड। ठीक है, ये मेन तीन टॉपिक्स है, उसके अंदर थोड़े बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं, लेकिन ये अगर बेसिक मेन तीन टॉपिक का कंसेप्ट आपने अगर क्लियर कर लिया तो फिर कोई भी एग्जाम्पल आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो चलो आज हम जो इलेक्ट्रोस्टेटिक मेन थियरी है उसके अंदर जो पहला है आपका कूलम्स लॉ, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम कूलम्स भाई साहब को अपने ब्लड में उतारने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिजिक्स को हमें अपने ब्लड में उतारना है, मींस पहला हमारा जो कूलम्स लॉ है उसको हम ब्लड में उतारने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स इसके टॉपिक के नाम का पहले मीनिंग समझ लेते, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन रिलेटेड या चार्ज रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे, लेकिन जो भी चार्ज रिलेटेड बात करेंगे वो कैसा होगा, स्टेटिक मींस स्टेडी होगा। वो फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में हम जो भी चीज बात करेंगे उसके अंदर हमारा चार्ज कैसा होगा, स्टेडी होगा, वो मोशन नहीं कर रहा होगा। ठीक है, फोर्स दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा तो भी वो फोर्स की वजह से मोशन नहीं कर रहा है, अपनी जगह पे हमने उसको चिपका दिया है, ऐसा हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टेटिक के अंदर फर्स्ट हमारा है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स भाई साहब ने क्या बोला था, तो कूलम्स लॉ, कूलम्स जो है वो दैट इज फ्रेंच साइंटिस्ट है, उसने ये जो लॉ दिया था कब दिया था, 1785 में ये उसने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन उसने क्या स्टेटमेंट दिया था, उससे पहले क्या थियरी चल रही थी वो हम पहले देख लेते हैं। कि उससे पहले बात हो रही थी कि कोई चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है, फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। तो चार्ज पार्टिकल किसको बोलते हैं, तो चार्ज व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है, तो चार्ज नथिंग बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे मैं बोलता हूँ मास, मास क्या है, तो कि मैटर की प्रॉपर्टी है, कि कोई भी मैटर के पास क्या होता है, मास होता है। सिमिलरली चार्ज इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की एक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज पार्टिकल के बारे में हम बात करें तो कौन से चार्ज पार्टिकल की हम थ्रू आउट बात करेंगे, चार्ज पार्टिकल में आपके दो पार्टिकल्स अभी आपके बारे पास है, एक तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दूसरा कौन सा है, प्रोटॉन, तो उसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और मोस्टली हम इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्यादातर बात करेंगे और थ्रू आउट चैप्टर हम इलेक्ट्रॉन ऐसा वर्ड कम यूज करेंगे, इससे सिंपली डायरेक्टली क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज, एंड इसको डायरेक्टली बोल देंगे पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो ये चार्ज पार्टिकल के बारे में था। अब कूलम्स ने ये स्टेटमेंट दिया, उससे पहले क्या हमें पता था कि दो टाइप के चार्ज पार्टिकल है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, दोनों के बीच में फोर्स लगता है, सेम चार्ज होगा तो फिर रिपल्शन होगा और ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो फिर दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन लगेगा, ये चीज हमें पता थी। लेकिन कितना फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल हमने रखे हुए तो दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, उसका क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी, फोर्स की क्वांटिटी कितनी है वो हमें अभी तक पता नहीं था। तो ये कूलम्ब भाई साहब ने क्या किया, कूलम्ब भाई साहब ने बस वही काम किया कि दो चार्ज आपके पास है तो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है वो आपको पता है, लेकिन वो फोर्स कौन सी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कब फोर्स बढ़ेगा कब फोर्स कम होगा, कौन से पैरामीटर के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, 1 न्यूटन 2 न्यूटन कितना होगा, उसका मुझे कैलकुलेशन करना है तो फिर कैसे करेंगे, वो सारी चीज किसने बताई, कूलम्ब भाई साहब ने बताई है। तो उसका उसके बारे में हम पहले स्टडी करते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल हम ले लेते हैं, एक पार्टिकल लिया जिसके पास Q1 जितना चार्ज है, दूसरा पार्टिकल मैंने यहां पे लिया है जिसके पास Q2 जितना चार्ज है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस मैं रख देता हूं कि चलो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r जितना, इसके पास चार्ज Q1 कूलम है, इसके पास चार्ज Q2 कूलम है, दोनों के और दोनों के बीच का जो मीडियम है वो क्या है, एयर अभी मैंने रखा हुआ है,
ध्यान रखना, दोनों पार्टिकल के बीच में जो मीडियम है, अभी मैंने एयर में रखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपके बीच का मीडियम। तो कूलम्ब भाई साहब ने क्या बताया कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज फोर्स, और वो फोर्स को क्या बोले, अभी दोनों चार्ज कैसे है, स्टेटिक, हमारा मेन टॉपिक का नाम ही है इलेक्ट्रोस्टेटिक, चार्ज हमने किल लगा के दोनों को फिक्स कर दिया ऐसा समझ लो, अभी फोर्स लग रहा है फिर भी वो मूव नहीं कर रहे, दोनों स्टेडी है, ओके, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। क्या नाम दिया है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स, उसको मैं एफ ई से इंडिकेट करूंगा। तो एफ ई जो दोनों के बीच का फोर्स है वो किसके ऊपर प्रोपोर्शन है, इट इज प्रोपोर्शनल टू चार्जेस मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस ऑन दी पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है उसके मल्टीप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओके, एक तो पैरामीटर ये पता चल गया। दूसरा पैरामीटर उसने क्या बताया कि जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है वो और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो रहा है, अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स इंक्रीज हो रहा है, लाइक मैग्नेट, दो मैग्नेट के बीच का डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स बढ़ जाता है, मैग्नेट के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स डिक्रीज होता है। तो इसने बताया कि सिंपल डिस्टेंस ने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू चार्जेस, ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, व्हाट इज आर, आर इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक, ओके, तो ये दोनों को मैं अगर कंबाइन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। हाँ, एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे जो भी कूलम्स फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे दैट इज ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, छोटे से पॉइंट चार्ज के लिए ही अप्लाई हम ये करेंगे, ओके, तो एफ ई इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। चलो हम ये प्रोपोर्शनलिटी रिमूव कर देते हैं, एफ ई इज इक्वल टू क्यू वन, सॉरी हमें कांस्टेंट एक रखना पड़ेगा, कांस्टेंट को हम बोल देते हैं के, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। तो ये कूलम्ब भाई साहब ने ये फॉर्मूला डिराइव करके हमें दे दिया, तब से हम ये पढ़ते आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ये के क्या है, कांस्टेंट है, उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करता हूं, पहले इसका स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। दूसरी चीज ये ध्यान रखना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होने चाहिए। यहां से आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कौन सी डायरेक्शन में फोर्स है, वो यहां भी पता नहीं चल, मींस ये जो क्वांटिटी है वो क्या रिप्रेजेंट करे, सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है, ओके, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं स्केलर फॉर्म, ठीक है, ये जो कूलम्स लॉ है वो कौन से फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में है, अगर हमें इसके बाद में आपको वो भी समझाऊंगा कि वेक्टर फॉर्म में उसको कैसे लिखते हैं। तो इतनी चीज क्लियर हो गई, कूलम्ब भाई साहब ने क्या बताया कि ये फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। इसमें आपको देखो कोई भी फॉर्मूला आप याद करो, एग्जाम्पल के लिए कोई भी फॉर्मूला याद करो, सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मत लगाओ, क्योंकि उसके अंदर कौन सी क्वांटिटी आ रही है उसके बारे में आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए, तभी आप फॉर्मूला का यूज एग्जाम्पल कैलकुलेट करने में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए, इट इज अ कॉन्स्टेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कूलम्स कॉन्स्टेंट, उसकी वैल्यू क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Q1 and Q2 are two charges, point charges. And what is R? R is a distance between that two charges. ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब हम उसका स्टेटमेंट लिखें। ओके बच्चों, तो ये हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को ये फॉर्मूला के ऊपर से ही लिखना है। क्या है स्टेटमेंट, ध्यान देना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स, ये जो फोर्स है उसका नाम हमने क्या दिया, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स, और इसके ऊपर से हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड मिलता है। इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ये ध्यान में रखना है, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, दोनों जो चार्ज है वो कैसे हमारे स्टेशनरी, मोशन में नहीं, अगर मोशन में नहीं, मोशन में है तो फिर डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल, ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम,
ठीक है, एक मैंने ब्लू कलर का अलग से लिखा हुआ देखो, तो फोर्स, लेकिन फोर्स कौन सी, देखो ये दोनों सपोज पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, रिपल्शन फोर्स। द फोर्स इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देम, ये दोनों को चार्ज को ज्वाइन करती हुई अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो आपको कैसी मिलेगी, ऐसी लाइन मिलेगी, यानी कि जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स, वो लाइन जो उसकी ज्वाइन हो रही है उसके ऊपर लगेगा, ऐसे फोर्स नहीं लगेगा, या तो ऐसे फोर्स नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या बोला, द फोर्स इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देम, ये दोनों को ज्वाइन करती हुई ये जो लाइन हमने बनाई है उसके अलोंग ही फोर्स होगा, लाइक दिस या लाइक दिस, जो भी होगा, अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो ऐसे लगेगा, सेम चार्जेस है तो ऑपोजिट, कोई ऐसे नहीं लगेगा क्योंकि इसकी लाइन कहां, ऐसे जा रही है, तो वो ऐसे या ऐसे फोर्स नहीं लगेगा। तो ये पूरा स्टेटमेंट अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, याद आप फॉर्मूला के ऊपर से ही रख सकते हो, और एग्जाम में पूछे तो पूरा स्टेटमेंट लिखना है। और दूसरे छोटे पॉइंट्स याद रख लो, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ कूलम भी बोलते हैं, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर भी, इसलिए इनवर्स स्क्वायर लॉ भी उसको बोलते हैं। सेम चार्जेस हो गए तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, वो आपको पता है, ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ये सारे पॉइंट्स आप वीडियो को पॉज करके तुरंत ही अपनी नोटबुक में साथ में लिखते जाओ, क्योंकि खुद की नोट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी टाइम पे आप ये वीडियो पूरा देखने नहीं बैठ सकते हो, एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू कैन क्विकली रिवाइज योर हैंड रिटन नोटबुक्स। ये चीज देखो, ये मैंने क्या लिखा, एनालॉगस टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता है क्या था, एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, इसके जैसा ही दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये भी कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ पे मास है, मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो यहाँ पे क्या है, चार्ज, चार्ज इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, डिवाइड बाय आर, आर स्क्वायर, व्हाट इज आर, आर इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, जिसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उनके बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पे भी सेम, आर इज व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, तो दोनों सिमिलर जैसे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो कैपिटल जी जो है वो कांस्टेंट जो है वो आपका कैसा, यूनिवर्सल कांस्टेंट, मींस पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ कैपिटल जी की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। लेकिन यहाँ अभी तक मैंने आपको के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो अब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, के इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कूलम्स कांस्टेंट, तो हम अब के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। K is equal to constant is equal to, आप ये भी लिख सकते हो, 1 upon 4 pi epsilon naught is equal to, directly उसकी value लिखनी हो तो value भी लिख सकते हो। unit क्या लिखोगे, K का unit क्या होगा, इसका force, force का unit newton, तो K is equal to force है तो newton, okay, R square इस तरफ आएगा यानी कि meter square, और Q1 की टू इसका कूलम, कूलम, कूलम का स्क्वायर नीचे आएगा यानी कि कूलम रेस टू माइनस टू, ये यूनिट। लेकिन ये जो वैल्यू है वो किसके लिए है, एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के लिए आपकी ये वैल्यू है, ध्यान में रखना। जो अगर एग्जाम्पल में नॉर्मली तो आपको एयर और वैक्यूम ही देते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा मीडियम आपको दिया है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। के की वैल्यू क्या कंसीडर करें, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, लेकिन किसके लिए, सिर्फ एयर एंड वैक्यूम के लिए, अगर कोई दूसरा मीडियम होगा तो फिर आपका के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो दूसरे मीडियम के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, के इज इक्वल टू 1/4πε m। आप बोलोगे सर अभी तक आपने एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन एम के बारे में नहीं बताया है, तो एप्सिलॉन फोर एनी अदर मीडियम, ठीक है, ओके, व्हाट इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर, एप्सिलॉन एम इज परमिटिविटी ऑफ पर्टिकुलर मीडियम, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर परमिटिविटी इंक्रीज हुई तो के की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, अगर के की वैल्यू डिक्रीज हुई तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी,
ये चीज भी आपको एमसीक्यू बन सकता है इसके ऊपर. अगर कोई मीडियम आपको दो मीडियम का कंपैरिजन फोर्स के दो मीडियम का कंपैरिजन करना हो रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आप उसकी परमिटिविटी के ऊपर से कर सकते हो. अगर परमिटिविटी इंक्रीज हो रही है तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा. परमिटिविटी डिक्रीज हो रही है तो ये परमिटिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम. एक कोई मीडियम जो भी मीडियम होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, किसको कैरेक्टरिस्टिक कि कितना फोर्स वो लगने देगा. दो चार्ज को मैं एयर में रखता हूं तो दोनों के बीच में फोर्स कुछ डिफरेंट होगा. सेम चार्ज को सेम डिस्टेंस के साथ कोई दूसरे मीडियम में रखूंगा तो उसमें आपका फोर्स डिफरेंट हो जाएगा. मीन्स यहां पर ध्यान दे कि इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स डिपेंड ऑन चार्ज, डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एज वेल एज ऑन द मीडियम. आपका मीडियम कौन सा है, दोनों चार्ज को आपने एयर में रखा हुआ है या कोई गैस में रखा हुआ है या कोई पर्टिकुलर लिक्विड में, कहां पे आपने वो दोनों रखा हुआ चार्ज रखे हुए, उसके मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा. तीन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा, वो ध्यान में रखना है. ग्रेविटेशनल फोर्स में देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन टू पार्टिकल्स, बट इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन टू पार्टिकल. इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि एयर के ऊपर ये डिपेंड, एयर यहाँ पे लिखा है इसलिए पूरा कैलकुलेशन हमने एयर के लिए किया हुआ है. तो ये पैरामीटर्स आपको ध्यान में, व्हाट इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इज अ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. अभी एक और चीज, एप्सिलॉन नॉट किसकी परमिटिविटी है, एयर की या वैक्यूम की, उसकी वैल्यू है 8.854 × 10^-12. यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट यहां से लिख सकते हो K is equal to, ये तो यूनिटलेस हो गया, इसका यूनिट क्या होगा, जो K का होगा उसका इनवर्स, मीन्स कूलम स्क्वायर न्यूटन रेस टू माइनस वन मीटर रेस टू माइनस टू. अब लिख सकते हो ये, ठीक है. तो ये सारी चीज कूलम्स के स्केलर फॉर्म के बारे में थी. अगर आपको कोई टू मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दे तो ये फिगर ड्रॉ करो, उसके ऊपर से फॉर्मूला डिराइव करो, उसका स्टेटमेंट लिखो और फॉर्मूला के साथ साथ में कौन सी क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो मेंशन करना जरूर. के इज ए कूलम्स कॉन्स्टेंट 1/4 π, ये किसके लिए, एयर के लिए. अगर कोई पर्टिकुलर मीडियम दिया है तो आपको खास ध्यान में रखना है ये वैल्यू यूज करनी है, ठीक है. और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको याद रखनी है, दोनों का यूनिट भी आपको याद रखना है, इसके ऊपर से आप उसका डायमेंशन भी लिख सकते हो. नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसको वेक्टर फॉर्म में, ये तो आपको सिर्फ कैसे पता चला, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पता चला, लेकिन अगर मुझे उसकी डायरेक्शन पहचाननी हो तो कैसे पहचान सकते हो, तो उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं. तो बच्चों चलो अब हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. कूलम्ब भाई साहब को अब वेक्टर के साथ भी रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते. तो सिंपल जो हमारा स्केलर फॉर्म था वही फिगर है, दो चार्ज मैंने लिए हुए, दोनों चार्ज चलो सेम ही ले लेते, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों की डायरेक्शन अभी रिपल्शन होगा तो ये डायरेक्शन में फोर्स, इसका मीनिंग क्या है वो समझना जरूरी है. मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, चलो एफ 1, 2 का मीनिंग क्या है वो समझना जरूरी है. ये वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट मैं यहाँ पे करता हूँ क्योंकि ये डायरेक्शन भी हो गई. F12 फोर्स ऑन 1/2. F21 क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो कि फोर्स ऑन 2/1, ठीक है. तो ये ध्यान में रखना है, पहला वाला जो है वो ऑन दिखाता है, दूसरा वाला बाय दिखाता है. ओके, अब हमें फोर्स का फॉर्मूला क्या है वो पता है. फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू, अभी थोड़ी जगह रखता हूं, चलो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर. ये सिर्फ क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड. तो अगर साथ में मैं कुछ ऐसा यहां पे रख दूं जो डायरेक्शन आपको दिखाने लगे तो आपका काम यहां पे खत्म हो गया. तो आपको वेक्टर के बारे में पता है, वेक्टर के अंदर हमने एक चीज पढ़ी हुई है, कौन सी चीज ऐसी है जो यहां पे मैं रखूंगा तो उसकी वजह से डायरेक्शन भी आपको पता चलेगी और उसके मैग्नीट्यूड में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा एक कोई वेक्टर है. किसी को याद है कौन सा वेक्टर, राइट, यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर जो होता है, जैसे आप उसको आप कैसे दिखाते हो, ऊपर कैप करके, यानी कि अगर मैं यहां पे कोई यूनिट वेक्टर रख दू, ठीक है, कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर में अगर रख दू तो ये यूनिट वेक्टर क्या काम करेगा, सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा लेकिन इसका कुछ मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो ये मैग्नीट्यूड में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है. तो ये चीज यहां पे, तो मेरा सिर्फ काम ये है कि यहां पे कोई एक ऐसा यूनिट वेक्टर मुझे रखना है. ओके, तो पहले मैं फोर्स ऑन 1/2 की बात करता हूं. फोर्स ऑन 1/2 वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड तो सेम है, Q1 Q2 अपॉन आर. इसको थोड़ी देर ऐसे रखता हूं क्योंकि यहां पे मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए. कौन सी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, फोर्स ऑन 1,
इसके ऊपर का बाय टू, ये डायरेक्शन में, ये जो लेफ्ट आपकी लेफ्ट डायरेक्शन जो दिखाता है वो डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो वो यूनिट वेक्टर मैं यहां से ले सकता हूं। पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, ये जो वेक्टर है पोजीशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू दिखा रहा है। और चलो पहले ये इतना रखते हैं, पोजीशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, यानी कि यहां पे मैं ये भी लिख लेता हूं, आर वन टू आपको क्या दिखाता है, देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखना आर वन माइनस आर टू। आप बोलोगे कैसे, सिंपल सा है ये, चलो मैं एक रेफरेंस ले लेता हूं ओरिजिन ओ, ठीक है। यहां से मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, इसका पोजीशन वेक्टर जो है दैट इज आर वन, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज आर टू, ठीक। अब मुझे लिखना है, देखो वेक्टर एडिशन ट्राइंगल वाला जो आपका रूल है वो यूज करना है। ये वेक्टर यहां से ऐसे जा रहा है, इसका इस तरफ का है, तो मैं आर वन इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, इसका टिप सॉरी इसका टेल और इसका ये हेड, ये इसका हेड है, तो आर वन इज इक्वल टू आर टू प्लस आर वन टू, यानी कि आर वन टू इज इक्वल टू वॉट, आर वन माइनस आर टू। ये वेक्टर का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ट्रायंगल एडिशन आप कैसे करते हो, एक के हेड के ऊपर से दूसरे की टेल रखनी होती है, ठीक है। ट्रायंगल एडिशन आपने 11th में स्टडी कर ली, ये आपका वेक्टर R2 है, उसके हेड के ऊपर दूसरे एक वेक्टर की टेल रखी हुई है, तो अगर ऐसे हम रखते तो इसके टेल से इसके हेड तक का जो होगा वो आपका रिजल्टेंट होगा, यानी कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, सो आर वन इज इक्वल टू आर टू प्लस आर वन टू, इसके ऊपर से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ओके। तो हमारा काम हो गया, ये जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन में मैं लिख दूंगा, यानी कि आर वन टू, काम हो गया। फोर्स भी मैग्नीट्यूड भी मिल गया और यहां पे स्क्वायर, लेकिन यहां पे मैं सिर्फ क्या लिखूंगा वन टू, ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूं तो क्या लिख सकता हूं, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यूनिट वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी वेक्टर, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं वेक्टर आर वन टू डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, कंबाइन कर दो, एफ वन टू इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू क्यू इंटू आर वन टू वैक्टर। एक ये फॉर्म हो गया, एक इसको भी आप याद रख सकते हो। कोई अगर आर वन टू नहीं पता है तो आर वन टू इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, आर वन माइनस आर टू भी लिख सकते हो, कोई बुक में ऐसा भी दिया होगा, ऐसे भी के जो भी फॉर्म आप बनाना चाहो बना सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी फॉर्मेट आप बना सकते हो। तो ये फोर्स ऑन वन बाय टू हो गया। चलो अब मुझे लिखना है फोर्स ऑन टू बाय वन, क्या लिख सकते हो, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर आर टू वन, ओके। आर टू वन कौन सी डायरेक्शन में, ये रहा आपका आर टू वन, ठीक है, ये डायरेक्शन। तो बस हो गया आपका K, Q1, Q2, ये क्या दिखा रहा है, पोजिशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, पोजिशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, आर टू वन स्क्वायर इंटू आर टू वन डिवाइड बाय आर टू वन, सो एफ टू वन इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू वन क्यू इंटू आर टू वन। तो क्लियर, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म वेक्टर रिप्रेजेंट, सिंपल सा पहले से एक बार फटाफट से देख लो, ये आपका ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, एफ वन टू क्या है, एफ टू वन क्या है, आर वन टू क्या है, और नीचे आर टू वन, पोजीशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन,
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आर टू माइनस आर वन, कैसे वो आप यहां से पता कर सकते हो। मैंने एक के लिए यहां पे दिखा है, दूसरे के लिए आप आराम से कर सकते हो। देखो आराम से वीडियो देखो, जहां नहीं पता चल रहा है वहां एक बार फिर से रिवर्स करके आराम से वीडियो देखो, ठीक है। ओके, तो हमारा काम क्या था, हमें यहां पे यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना था। यूनिट वेक्टर कौन सा, तो कि हमारे फोर्स की डायरेक्शन में, ये फोर्स कौन सा है, वन टू, वन टू किस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ का यूनिट वेक्टर कौन सा है, तो ये वेक्टर इस तरफ की डायरेक्शन दिखाता है। तो ये इसका अगर मैं यूनिट वेक्टर रख दूं तो काम हो गया हमारा, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म हो गया। ओके, इसको अब हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हो, वो आप कोई भी फॉर्म में लिखना, ये रखना चाहते हो ये रखो, ये रखना चाहते हो तो ये रखो, कोई भी फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। वैक्टर को अलग अलग फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो हमने प्रीवियसली देखा था। फिर हमने दूसरा फोर्स लिया 2-1, 2-1 कौन सी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन का वेक्टर कौन सा है, पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, उसका मैंने यूनिट वेक्टर यहां पे रख दिया, यूनिट वेक्टर के ऊपर से हमने उसका फॉर्मेट। अब दोनों का ऑब्जर्वेशन करो, यहां से मैं थोड़ी देर के लिए इतना पोर्शन निकाल रहा हूं। देखो मैं ले रहा हूं एफ वन टू इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू क्यूब इंटू आर वन टू। इसका मीनिंग क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन टू, ठीक है, यानी कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, ये इतना, यानी कि डिस्टेंस, ये आपको क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन वन एंड टू। वो डिस्टेंस आप यहां से मेजर करके इस तरफ मेजर करो, या यहां से मेजर करते हुए इस तरफ आओ, दोनों में डिस्टेंस तो क्या होगा, सेम ही होगा। आप इस तरफ से मेजरमेंट करो या इस तरफ से मेजरमेंट करो, दोनों में क्या आएगा, सेम ही आएगा। यानी कि हमें पता है आर वन टू वैक्टर इज इक्वल टू माइनस आर टू वन, दोनों वेक्टर जो R12 या 21 दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, दोनों की सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओके, इसका यूज मैं यहां पे करता हूं, F12 इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन, ये आर वन टू लिखू या आर टू वन लिखू, दोनों सेम ही है, आर टू वन का क्यूब इंटू आर वन टू लिखू, लेकिन वेक्टर को मैं टू वन डायरेक्ट नहीं कर सकता, आर वन टू की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, माइनस आर टू वन, वन टू की जगह पे मैंने टू वन, ये माइनस को मैं इस तरफ ले लेता हूं, तो इज इक्वल टू माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू वन क्यूब इंटू आर टू वन। ये कौन सा फोर्स है, एफ वन टू, तो ये कौन सा फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो यहां पे ये, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टू वन, क्लियर। तो ये दोनों फोर्स कैसे एक दूसरे के ऑपोजिट है, ध्यान रखना, दोनों फोर्स, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो ये पूरा आपका वेक्टर फॉर्म का में रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर आपको सिंपल वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन पूछे तो स्टेटमेंट आपको पूछेंगे और साथ में उसका वेक्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन भी पूछेंगे। तो यहां से उसका स्टेटमेंट लिख दो, फिर यहां से स्टार्ट करो, इसमें ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करती है वो लिखो, ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है वो लिखो, उसके बाद आप फोर्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म कम लिखो और लास्ट में दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो ये आई होप आपको ये कुलम भाई साहब अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उसके स्केलर फॉर्म तो बहुत ही इजी है, वेक्टर फॉर्म में आपको थियरी को एक बार रिपीट करना पड़ेगा, स्लोली स्लोली पढ़ते जाओ, अपनी खुद की नोट बनाते जाओ, ऐसा करोगे तो वेक्टर भाई साहब भी आपके ब्लड में आसानी से घुस जाएंगे, ठीक है। तो आज के आपको एक कुलम भाई साहब का इंजेक्शन बहुत अच्छा लगा होगा आई होप, और वो अब आपके ब्लड में चला गया होगा। अगर अभी भी आपके ब्लड में वो नहीं गया है तो उसको रिवाइंड करो, फिर से स्लोली स्लोली देखो और अपनी खुद की नोट बनाओ, उसको रिवाइज करो, फिर बाद में एक बार ये कुलम भाई साहब को अपने ब्लड में उतार देने हैं। अगर वो उतर गए तो आगे की थियरी भी आपको लिए आसान होगी। ओके, अब आपको पता चल गया है कि दो पॉइंट चार्ज होंगे, उनके बीच अगर इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स अगर हमें फाइंड करना है तो वो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका आपने दोनों फॉर्म देखे, स्केलर फॉर्म एज वेल एज वेक्टर फॉर्म, दोनों की बात हुई। तो यहां पे हमें सिर्फ स्केलर फॉर्म का फॉर्मूला लिखना है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज क्यू वन एंड क्यू टू, दो चार्ज के बारे में बात है। व्हाट इज आर, आर इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, वो भी आपको दिया हुआ है। K इज अ कूलम्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या थी आपने थियरी में देखी थी, 9 इंटू 10 रेस टू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, लेकिन किसके लिए, फोर एयर,
अगर दूसरा कोई मीडियम होता तो इसकी वैल्यू डिफरेंट होती, लेकिन यहाँ पे हमें मीडियम क्या दिया हुआ है, एयर दी हुई है, इसलिए हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते। अब तो सिंपल हो गया, आपने फॉर्मूला भी डिफाइन कर लिया, पहला स्टेप गिवन डेटा, दूसरा स्टेप ये फाइंड क्या फाइंड करना है वो भी पता लगा लिया, फिगर भी बता ली बना दी, कौन सी थियरी यूज करेंगे वो भी हमने पता कर लिया, कूलम्स लॉ, उसमें से कौन सा फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब फॉर्मूला में क्वांटिटी चेक करो, k की वैल्यू पता है, q1 की वैल्यू, चलो k की वैल्यू रख देते हैं 9 × 10⁻⁹, q1 की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁷, q2 3 × 10⁻⁷ डिवाइड बाय r। यहाँ पे एक स्टेप अभी भी हमने मिस कर दिया, जब भी सेंटीमीटर तो हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देना है, तो क्या होगा 30 × 10⁻²। तो ये हमारा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गया, रख दो यहाँ पे 30 × 10⁻²² और उसका भी स्क्वायर 9 × 2 × 3, यहाँ पे 10⁻⁹ −7 − 7 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 900 × 10⁻⁴। ओके अब कम भाई, ये 9 और ये 100, ठीक है, ये 100 इसके साथ मिलेंगे तो −2 हो जाएगा, −2 ऊपर चला जाएगा, 3 × 6 × 10⁻⁷, 9 − 7 + 2 − 7 यानी कि −5, और नीचे का ये 2 और ये −2 ऊपर जाएगा तो +2 = 6 × 10⁻³ N। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है ना, एकदम सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको, ये स्टेप्स के फॉलो करते करते हमने ये एग्जांपल आज का कंप्लीट कर लिया। बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप ये वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गुड बाय।